गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो गेम। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे से होंगे, मार्केट में सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लेवल्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंट बताने वाला हूं, जिसकी मदद से अगर आप प्ले आउट करो तो डेफिनेटली मार्केट में, इस मार्केट में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा नाम शुभ्रांत है, ये क्रिप्टो चैनल है, यहाँ पर बात होती है ऑल्ट कॉइन की, इथेरियम की एंड ऑलवेज बिटकॉइन की। तो भाई पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो। साथ ही साथ अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी क्वालिटी जुड़ती है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके सामने ये कंटेंट आगे भी आता रहेगा एज पर द यूट्यूब एल्गोरिदम। अब बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की। बिटकॉइन का चार्ट है, वन डे का चार्ट है। करंट प्राइस की हम बात करें, देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो बिटकॉइन है अभी बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक्सचेंज पर जो इनफ्लो है वो बढ़ता जा रहा है। और जब भी इनफ्लो आता है आप सभी को पता है भाई क्या होता है बिटकॉइन में, वो आप सभी जानते हैं। अब जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट में इनफ्लो आता है, वॉलेट में से एक्सचेंज पर आता है इनफ्लो, तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो बिक जाए, ठीक है। और अगर बिकता है तो आपको पता है कि अगर सप्लाई किसी भी चीज़ की बढ़ जाए तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक डाउन आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन यहाँ से सीधा नीचे तोड़ेगा, लेकिन हाँ हमें मार्केट में सेफ होके तो भाई खेलना है अगर हम मार्केट में आएँ, और वो भी ऐसी मार्केट में जो कि हाईली वॉलेटाइल है। सबसे ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल है आपकी क्रिप्टो मार्केट, यू नो, ठीक है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। करंट प्राइस 31,800 के करीब हम यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए एक ये वाला जो लेवल है आपका 31,700 का लेवल, ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जहाँ पर प्राइस आ रहा है, बार बार यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि भाई एक लेवल पर अगर प्राइस ज़्यादा बार होल्ड करता है, ज़्यादा बार उस पर सपोर्ट बनाता है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि टूट जाए। और आप यहाँ पर देखोगे ऑलरेडी हमने चार बार, पाँच बार, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार हमने यहाँ पर सपोर्ट ले चुके हैं, अब छठी बार यहाँ पर प्राइस आया है। तो पॉसिबिलिटी के अनुसार यहाँ पर तो भाई ये थोड़ा सा बियरिशनेस दिखा सकता है, ये लेवल आपके टूट सकता है बहुत ईजिली। और आज आप सभी को पता है कि ग्रे स्केल के जो हैं वो भी उनकी रिबाउंडिंग हो रही है, जो शेयर्स हैं वो भी आज यहाँ पर, हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पर सेलिंग ऑफ हो जाए, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि बहुत ही बड़ा इवेंट है आज ग्रेस्केल की तरफ से, तो उसका भी एक इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर पड़ सकता है। बहरहाल ये जो सपोर्ट है ये है आपका 31,700 का, जिसको हमने बार बार यहाँ पर टेस्ट कर लिया, अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि तोड़ दे। अगर यहाँ से तोड़ देते हैं हम तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा गाइस वो बैठेगा अराउंड 30,600 का लेवल। अब ये क्यों बैठेगा, देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक चैनल ड्रॉ करके रखा है, और भी एक डिसेंडिंग चैनल, आप देख पाओगे ये एक डिसेंडिंग चैनल है, हालांकि ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, इसके अनुसार प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एक लेवल है जो क्रॉस करना पड़ेगा, वो लेवल मैं ये है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ। सपोर्ट जो बैठेगा नेक्स्ट वो बैठेगा चैनल का नीचे वाला जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन आप देख पाओगे, उस लाइन पर अगली बार प्राइस यहाँ पर आता है तो कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, वो करेगा आपका 30,500। तो पहला सपोर्ट क्या था आपका 31,700, जिसको बार बार टेस्ट कर लिया, टूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वहाँ से टूटता है तो मुझे लगता है एक ह्यूज सेलिंग आएगी, और एक माइनर सा सपोर्ट बन सकता है 30,400 का लेवल, जहाँ पर हो सकता है कि बाइंग बैठी हो ऑलरेडी, यहाँ पर ओपन ऑर्डर लगे हों, लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगे हों आपके डेप्थ ऑफ बिड में। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कभी मेरे को मौका मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है बाइंग के ऑर्डर। एक चीज़ हो सकती है यहाँ से, अगर बिटकॉइन टूटा तो हम सभी लोग इस लेवल को वॉच आउट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम सभी लोग इस लेवल को वॉच आउट कर रहे हैं। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ दिया तो एक मार्केट में हाइप हो जाएगी कि भाई बहुत ही पुराना सपोर्ट है जो बिटकॉइन ने तोड़ दिया। अब उस सपोर्ट की वजह से क्या हो सकता है यहाँ पर, उस सपोर्ट की वजह से हो ये सकता है कि यहाँ के जो ऑर्डर्स हैं, जो हो सकते हैं जो अभी लगे हों यहाँ पर, इनकी स्वैपिंग हो सकती है। स्वैपिंग यानी कि ये जो ऑर्डर हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑर्डर लगाए हुए हैं, वो हो सकता है अपने ऑर्डर हटा दें, और यहाँ से अगर हटा देते हैं वो ऑर्डर तो भाई यहाँ से फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा वो अराउंड आपका 28,700 का लेवल यहाँ पर पड़ने वाला है, ठीक है। ये बात होगी आपकी सपोर्ट की, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहीं पर, अगर हमारा 31,700 का लेवल टूट जाता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 30,500 का लेवल पड़ेगा। वो एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पर ऑर्डर लगे हैं, मैंने खुद भी डेप्थ ऑफ मार्केट देखी है, DOM देखा है मैंने, यहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ से एक ह्यूज सेलिंग आई तो भाई ये ऑर्डर हटने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगी, यहाँ से अगर स्वैपिंग हो गई
तो फिर मैं जो सोच रहा हूँ, फिर बिटकॉइन का प्राइस कहीं ना कहीं कहाँ देख पा रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी पैनिक हेयर, ठीक है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं टेक्निकल के बेसिस पे ही बात करता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट आपका 31,500, 30,500, ये लेवल टूटता है, 28,500 का लेवल टूटता है, तो भाई नेक्स्ट सपोर्ट जो बैठेगा आपका सही सपोर्ट, वो बैठेगा 24,000 पर, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये हो गई आपकी बेयरिशनेस की बात। अगर सपोर्ट कौन सा बनाता है, आप इसे कैसे प्ले आउट कर सकते हो? देखो, बिटकॉइन का अगर प्राइस यहाँ से टूटता है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा ये वाला लेवल, ये लेवल है आपका 30,500 का लेवल, यहाँ पर अगर कोई मुझे ग्रीन कैंडल मिलती है तो भाई यहाँ से मैं खोलने वाला हूँ एक लॉन्ग पोजिशन, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर स्वैपिंग नहीं हो पाई तो यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक तो हमें बिटकॉइन में मिल ही सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, दूसरी बात चैनल के नीचे वाली जो लाइन है यहीं पर स्ट्राइक कर रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंट की। अब भाई प्राइस को ऊपर बढ़ना है तो कहाँ पर पहला रेजिस्टेंट मिलेगा? आप चैनल को देख पा रही हो, जैसे मैंने आपको चैनल बताया, ये वाला चैनल, इसकी एक मिड लाइन आ रही है, आपको दिख पा रही होगी, यहाँ पर एक मिड लाइन आ रही है। मिड लाइन जो है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट के तौर पे काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस मिड लाइन ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, इधर एक सपोर्ट बनाया, इधर एक रेजिस्टेंट के तौर पर काम करी, इस एरिया में पूरा सपोर्ट फिर रेजिस्टेंट, ठीक है। अब प्राइस अगर आता है तो ये जो लाइन है इसका प्राइस लेवल क्या पड़ेगा, ये लाइन कहाँ पर आके एक स्ट्राइक कर रही है प्राइस को, ये प्राइस है आपका गाइस 32,500 का लेवल, यानी कि बिटकॉइन के प्राइस को कम से कम 32,500 के लेवल से तो ऊपर आना ही पड़ेगा। फिर भी हम सेफ नहीं हैं, सेफ हम कहाँ से होंगे अगर बिटकॉइन ने ये चैनल मैंने आपको बताया, ये एक बुलिश चैनल होता है, ठीक है, ये चैनल होता है एक बुलिश, इसका जो ब्रेकआउट हमें देखने के मिलेगा वो लगभग आपका 33,600 के लेवल, 33,600 के लेवल पर यहाँ पर मिलने वाला है। तो करंट प्राइस आपका 31,700, ऊपर बढ़ना है तो मिड वाली जो लाइन है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये है आपका 32,600 का लेवल। उसके बाद अगर इस चैनल को हमें ब्रेकआउट करना है तो लगभग हमें 33,600 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट करने के बाद अगर यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर अगर हम होल्ड कर देते हैं, फिर पॉसिबिलिटी हो जाएंगी ऊपर जाने की, लेकिन फिर भी आपका रेजिस्टेंट पड़ने वाला है 34,800 का लेवल। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये सारे रेजिस्टेंट हैं जितने मैंने आपको बताए, एक बार हम अगर 33,500 के ऊपर होल्ड कर लेते हैं तो ये जो हमें बीच बीच में मूव मिल रहे हैं ना 1,000 के, इसमें भी हम इजिली प्ले आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर मीडियम टर्म ही यहाँ पर कॉल लो, आप यहाँ पर सपोर्ट पे आने के बाद लॉन्ग और रेजिस्टेंट पे आने के बाद शॉर्ट आप इजिली कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये जितने लेवल मैंने आपको बताया, मान लीजिए 33,600 के ऊपर आ जाता है और होल्ड कर लेता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजिशन बनती है 34,500 तक, 34,500 पर हम आ जाते हैं, एक हमें ग्रीन रेड कैंडल मिल जाती है तो यहाँ से एक शॉर्ट की पोजिशन मिलती है। तो गाइस ऐसे आप इसे प्ले आउट करिएगा, ठीक है। बाकी बिटकॉइन के ऊपर बहुत सारे अभी रेजिस्टेंट बैठे हुए हैं, सपोर्ट आपके सामने बहुत कम है, जो सपोर्ट है वो एक ऐसे सपोर्ट है 30,000 के बाद, यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड सपोर्ट नहीं है जिस पर कि प्राइस आके होल्ड ऑन कर ले। बाकी अगर मैं आपको लॉन्ग पिक्चर दिखाऊँ एक, तो लॉन्ग पिक्चर एक छोटी सी डराने वाली पिक्चर है, लेकिन मेरा मोटो आपको सिर्फ यहाँ पर एजुकेट करना है, तो आपको मैं यही दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पाओगे ये एक पैटर्न ऐसा बन पा रहा है जो कि एक बियरिश पैटर्न है, ठीक है, और ये जो बियरिश पैटर्न है गाइस ये लगभग, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, जो कि अभी हो सकता है कि यहाँ पर एक सेलिंग हो जाए और यहाँ से प्राइस नीचे की साइड गिर जाए, हो सकता है कि यहाँ से जहाँ पर है यहाँ से गिर जाए, या एक बार प्राइस आपका 33,600 पर जाए वहाँ से फिर नीचे फॉल कर दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इज़ अ बेयरिश पैटर्न एंड इट ऑलवेज ब्रेक डाउन, यानी कि हमेशा ही ब्रेक डाउन होता है। तो गाइस इस हिसाब से आप प्ले आउट कर सकते हो। मैं कैसे प्ले आउट कर रहा हूँ, 33,500 पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, एक अच्छी सेलिंग आ जाती तो अच्छी पोजीशन बन जाएगी, और अगर नहीं भी आती तो हमें 1,000 मूव का तो हम कैप्चर कर ही सकते हैं। फिर एक 34,000 का लेवल है, ठीक है, एक लॉन्ग देख रहा हूँ मैं अराउंड आपका 30,500 के लेवल पर, जो कि एक हाईली एक रिस्की ट्रेड हो सकती है, लेकिन ट्रेड तो ट्रेड है, और अगर आप रिस्क ट्रेडर हो तो भाई आप चाहो तो ले सकते हो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतनी बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप लोग सभी स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करें, क्योंकि वो आपकी ट्रेड को, आपके अगर अगेंस्ट जा रही है ट्रेड तो आपको बचा लेगा। तो धन्यवाद, ये थी मेरी अपडेट, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ऐसी अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं उसको चार्ट में उतारने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग सीख पाएँ, आप लोग खुद भी डिपेंडेंट
अपने पे ही इस पर सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, दूसरे पे डिपेंडेंट ना रह पाए और मार्केट में चल क्या रही है आपको सब कुछ पता चल जाए। तो गाइस मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और लाइक वीडियो को कर देना। धन्यवाद।